गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। यति नरसिम्हानंद ने इस बार महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है। यति ने महात्मा गांधी को हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार बताया। यही नहीं, यति ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता न कहा जाए, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे। सबसे पहले हम आपको यति नरसिम्हानंद का ये 2 मिनट का वीडियो सुनवाते हैं, जिस वीडियो में वो काफी विवादास्पद बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। चलाने वाले हैं, ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है, और आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल में जा रहे हैं। तो हम एक अभियान चलाने वाले हैं पूरे देश में, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर करने वाले हैं कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने। हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे और ना ही मानते हैं। तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दे किसने दे रखी है? किसने दे रखी है? राष्ट्रपिता कैसे हो गया? ये राष्ट्र जो लाखों साल पुराना राष्ट्र है, एक अभी थोड़े दिन पहले जन्मा हुआ आदमी इसका पिता कैसे हो गया? आप उसे राष्ट्रपुत्र बताओ, राष्ट्र भाई बताओ, उसे राष्ट्रभक्त बताओ, राष्ट्र का सपूत बताओ तो चलता है भाई। चलो किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन पिता कैसे हो गया वो भारत राष्ट्र का? हम शिव को मानने वाले, हम शक्ति को मानने वाले, हम राम के अनुयायी, हम कृष्ण के अनुयायी, हम आचार्य चाणक्य के अनुयायी, बाबा परशुराम के अनुयायी कैसे मान लेंगे उसे अपना बाप? तो उसको जो शुरू से ही महात्मा गांधी, शुरू से कब से, जब से कांग्रेस का राज है तब से कही गई है। ये कांग्रेसियों का पाखंड है। कांग्रेस जो अंग्रेजों की बनाई हुई एक संस्था थी, जिसने देश को आजाद नहीं होने दिया, उस संस्था का पाखंड है। हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? हम पे क्यों थोप रहे हो? हमारी क्या गलती है? कहते हैं कि आजादी गांधी जी की वजह से हमें मिली है। बहुत बढ़िया। और जो लोग फांसी पे चढ़ गए, गांधी तो औरतों के साथ सोता रहा, उसकी अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अंग्रेजों के साथ बैडमिंटन खेलता रहा, उसने तो आजादी दिलवा दी। और जो लोग फांसी पर चढ़ गए थे वो क्या थे? जो लोग जेल में गए वो क्या थे? जिन्होंने यातनाएं सही वो क्या थे? जो काले पानी में कोलू पेल रहे थे वो क्या थे? गांधी, अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों का दलाल, उसने आजादी दिलवा दी। इसकी भूमिका की तो जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि गांधी जी के खिलाफ अभियान चलाएं, किस तरह का अभियान होगा? 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करूंगा। आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद ने 13 जुलाई को महात्मा गांधी के खिलाफ ये टिप्पणी की थी। इस मामले में गुरुवार यानी 15 जुलाई को गाजियाबाद के मसूरी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153A और 505 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। FIR में कहा गया है कि धार्मिक नेता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कई भड़काऊ और विवादित बातें की हैं, जिससे समाज की शांति और कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। ये मामला पहला नहीं है जब यति नरसिम्हानंद ने ऐसे भड़काऊ बयान दिया हो। पहले भी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हो चुके हैं। जनवरी 2022 में यति को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। तब यति ने हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों और महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसके अलावा यति ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान का भी समर्थन किया था। नुपुर के बयान का समर्थन करने पर पुलिस ने यति को नजरबंद भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट।